जो बदल जाए धोखा दे दे उसका आश्रय लेकर क्या फायदा। और संसार तो देखिए धोखा देगा, ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। कोई रिश्ता सगा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं जीवन में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा, हर रिश्ता। अब देखिए कुछ स्वाभाविक तौर से देंगे, कुछ अस्वाभाविक तौर से। स्वाभाविक धोखा हमें पता है क्या होता है। अस्वाभाविक मान लीजिए आपको किसी से बहुत प्रेम हो गया, अब लग रहा है इसके बिना तो मेरी जिंदगी है ही नहीं, उसकी जिंदगी ने धोखा दे दिया, आ गया उसका बुलावा, गया वो, अब क्या। जिसके बिना आपको लग रहा था जीवन नहीं निकलेगा वो तो गया, अब क्या। ये धोखा नहीं है, धोखा ही तो है। पर सच्चाई यही है कि हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा। बस एक ऐसा रिश्ता है जो आपको कभी धोखा नहीं देता, वो आपका काम नहीं करके भी आपका भलाई करता है। कई बार हम ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो हमें लगता है अच्छी है हमारे लिए, मिलने के बाद सर फोड़ते हैं क्यों मांग ली। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान से मांगो, ये चाहिए वो चाहिए बोलिए ठीक है, लेकिन अंत में एक लाइन कह देना अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुद्धि, हमने भविष्य नहीं देखा, आपने देखा है, आपको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस प्रकार अब आनंद, यानी हम आनंद बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, यहां चले जाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, पर ये सब कुछ समय के आनंद है, सच्ची बात है। वरना एक बात बताइए, सबसे ज्यादा मनोरंजन अगर किसी के पास है तो वो कौन है, मनुष्य। सबसे ज्यादा मनोरंजन किसके पास है, मनुष्यों के पास। सबसे ज्यादा बोर यही होता है, हर कुछ समय में बोर हो रहे हैं, कुछ नया चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा मनोरंजन इसी के पास है। और यही आप संतों को देखिए जो जंगलों में रह रहे हैं, आश्रमों में रह रहे हैं, सब दुनिया से दूर है, फिर भी उनको किसी मनोरंजन की जरूरत। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी जंगल में चले जाइए, अर्थ है कि आनंद बाहर है ही नहीं, आनंद आपके अंदर है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो खुद के साथ खुश रहना जानता है, जिसको किसी भी भावना के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। और हम तो इतने आदी हो चुके हैं दूसरों के कि हमको तो हर चीज में किसी और की जरूरत है, दुख में, सुख में, क्रोधित होने में, आनंद में, सब में। हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को देके रखा है, खेलो, और वो अपनी मनमानी करता है। जैसे मान लीजिए यहां इतनी महिलाएं बैठी है, आपको कहीं जाना है तो आपने पूरा दिन सजने में लगाया, पूरा दिन तैयार होने में लगा रहे, अच्छे लग रहे हैं, खुद को कांच में देख रहे हैं, बड़े खुश है, अच्छे लग रहे हैं, है ना। घर से बाहर कदम रखा कि पड़ोस वाली ने, जिसने ठीक से देखा भी नहीं आपको, जिसने ठीक से आपको देखा भी नहीं, और उसने कह दिया कि अरे रंग अच्छा नहीं है, पूरे दिन की मेहनत खत्म। अब खुद को भी लगने लगता है कि रंग तो अच्छा, फिर मन में लगता है मैं तो वो कपड़ा निकाल रही थी, अभी तक तो आपको सब सही लग रहा था, अचानक क्या हो गया। पर हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी, वो जैसा चाहे वैसे आपको नचाता है, उसको आपको प्रसन्न करना है थोड़ी तारीफ कर देता है, आप बड़े दुखी करना है एक दो बातें कह देगा दुखी हो गए, गुस्सा दिलाना है एक दो अपशब्द कह देगा आपका पारा चढ़ जाता है। तो हम में बंदर में अंतर क्या है, उसको मदारी नचाते हैं, हमको लोग नचा रहे, सच्ची बात है कि नहीं।
कोई भी आता है नचा के चला जाता है। और भगवान ऊपर बैठे बैठे कहते होंगे कि कहां इसको मालिक बनाकर भेजा था और कहां ये दास के अलावा कुछ और रहकर नहीं, अपनी भावनाओं तक का मालिक नहीं बन सका। दुनिया का मालिक तो क्या बनेगा। और याद रखना, जब तक आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है ना, आपके पास धन दौलत नाम शौहरत कुछ भी आ जाए, आप दुखी ही रहेंगे। बड़े महल में भी व्यक्ति रो ही रहा है। तो खुश होने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। व्यक्ति हर जगह भागता है सुख ढूंढने के लिए, सुख उसी के पास है।